तो दोस्तों स्पेंसर रिटेल के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको स्पेंसर रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 6% से गिर कर 552 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे 6% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन अगर हम लॉस्ट के नंबर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 34 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी ये लॉस कंपनी का 23 करोड़ निकल कर आया है। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे 11 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू सिर्फ 1% से बढ़ा है। तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में अभी भी यहाँ पर इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहाँ पे हर बिजनेस कम से कम 10 से 15% की ग्रोथ दिखा रहा है रेवेन्यू में, वहां पर भी ये बिजनेस हमें 1% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर लॉस की बात करें तो अभी कंपनी को 23 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 54 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे जो लॉस का नंबर है ये थोड़ा नॉर्मल है, देखा जाए तो लॉस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 31 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो। अब देखिए, बहुत छोटी सी कंपनी है, 923 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन ये लगातार ये हर क्वार्टर में ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। तो उससे जो कंपनी का बुक वैल्यू है वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा और प्राइस टू बुक रेशियो हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए, इस सेक्टर में कोई लिस्टेड प्लेयर है? देखिए, एक तो रिलायंस रिटेल है ये, और फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो वो तो पूरा अगर देखा जाए तो बैंक्रप्टसी वगैरह, और वो अमेजॉन ने केस जीत लिया उसके लिए। तो यहाँ पर एक मेन कोई अगर अच्छा खासा कोई अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो वो है डीमार्ट, और जो लिस्टेड भी है अभी तक रिलायंस रिटेल अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डीमार्ट है उसको एक अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट अभी दे रहा है। अब ये देखिए, पिछले 2 साल से लगातार ये कंपनी लॉस में है और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। यहाँ पर ये कंपनी को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो 3 से 4 क्वार्टर तक लगातार कम से कम यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कंपनी का मेन फोकस होना चाहिए कि उनका रेवेन्यू बढ़े। अगर रेवेन्यू उनका बढ़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगी। लेकिन अगर कंपनी के रेवेन्यू ही गिरते चले जाएंगे तो वहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी ज़्यादा कम नहीं कर आएगी और एट दी एंड वो कंपनी लॉस में ही आएगी। अब देखिए, 96 पे यहाँ पे स्पेंसर रिटेल का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और आज ये स्टॉक 6% नीचे था। कितना? 6%। यानी कि मार्केट को पहले से लग रहा था कि ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी और यहाँ पे इन्होंने 6% की यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आज देखने को मिली है। देखिए, अगर आपने स्पेंसर रिटेल में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से आपका एक एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए। मतलब अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ही आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक लॉस मेकिंग बिजनेस है अभी। लेकिन आने वाले टाइम पर अगर यहाँ पे अच्छे से फंड रेज अगर ये कर लेते हैं तो वहां पर इनके पास भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अवेलेबल है। क्योंकि हमें पता है कि रिटेल सेक्टर किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर हमने देखा भी, रिलायंस रिटेल हो, डीमार्ट हो, ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ ग्रो हो रहे हैं। लेकिन इस कंपनी को भी अगर एक फंड की जो प्रॉब्लम है, अगर ये कंपनी अच्छे से इक्विटी के थ्रू अगर फंड रेज करती है, मतलब अगर कोई इस कंपनी का स्टेक वही खरीदता है तो वहाँ पे इस कंपनी को फायदा हो सकता है। इसलिए एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव ने अवॉइड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, कंपनी ने अभी भी लॉस रिपोर्ट किया है तो लगता नहीं कि मार्केट कुछ पॉजिटिव वे में यहाँ पे रिएक्ट करेगा। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि स्पेंसर्स रिटेल के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।